इस पे क्लिक करो। शेयर स्क्रीन पे इस पे क्लिक करो, चेक बॉक्स ऑन करो, शेयर कंप्यूटर सामने ये फिर यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, सही हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करो, बस स्टार्ट, बस माउस यहाँ रखो, यहाँ पता लगेगा पार्टिसिपेंट आए। मैंने स्टार्ट पे तो नहीं करना, पीछे चलना। थोड़ा सा वाटर से ऊपर। नहीं, हाँ इफेक्ट्स ऑफ वाटर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम जी। आयान, टुडे इज योर क्विज। यस ओके, लेट्स स्टार्ट विद यू, क्योंकि जब तक बाकी बच्चे आएंगे हम क्विज जो है ना वो वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। आयान अहमद, आयान कैन यू सी द स्क्रीन? 2/3 पहले कहां से? 2/3 है। व्हाट आर शॉट्स? 2/3 ओके। दूसरे का सी हो सकता है। आप बोलो ना, विटामिन सी इज नॉट नोन एज अस्कॉर्बिक। ओके हां जी, अस्कॉर्बिक। ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी के सोर्सेज अब आपने कैमरा को देखते हुए आंसर करना है। व्हाट आर द सोर्सेज? यस, बटर, विटामिन डी। नहीं बेटा, बटर विटामिन डी का बटर है। एक आप उसे सन से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, सन से ले लिया, बटर से ले लिया, और एक दो के नाम और बताइए। और आप उसे मिल्क से भी ले सकते हैं। यस, मिल्क। चले 1.5 यहाँ से मिल जाएंगे आपको, 2 में से, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके ओके, योर क्विज इज ओवर नाउ। आयशा नूर इज देयर? यस बेटा, अभी स्टार्ट है ना, एकदम से म्यूट कर रहा हूं उसको, फिलहाल म्यूट कर दिया, बट ही कैन हियर मी। आयान आप जी। आयशा, दिस योर क्विज, आयशा का क्विज। बेटा यू आर रेडी फॉर क्विज? जी मैम जी जी जी। बेटा रीड द एमसीक्यूज, यू हैव 2 एमसीक्यूज एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन। रीड द एमसीक्यूज एंड गिव आंसर। व्हिच वन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ओके मैम, मैम बी। नो बेटा, बी इज नॉट द राइट आंसर। इट्स राइट आंसर इज कंपोस्ट। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताना था ना, इज नॉट, वो नहीं है। तो जो इनऑर्गेनिक नहीं है वो कंपोस्ट है। जिप्सम तो इनऑर्गेनिक था। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A, vitamin B, or vitamin C. Aisha, beta, you have to show. Vitamin A. Good. Vitamin A is the right answer. Aisha, please share your screen. जी मैम. Okay. ठीक हो गया जी। रीड द क्वेश्चन, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इट। व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी? विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीजेस है जो कॉज हो जाती हैं? मैम विटामिन डी की रिकेट्स। रिकेट्स, यस। और उसमें होता क्या है रिकेट्स में? मैम रिकेट्स में
Ma'am, bones are weakened. Okay, bones are weakened. Next, एक और disease भी है. Rickets तो kids में आती है ना, छोटे बच्चों में. And what about the other disease? Adults में कौन सी disease होगी? Ma'am, okay. Astomalacia, I think so. Astomalacia, but you will get 1.5 marks out of 2 because you cannot give answer quickly. Okay, your test is over now. Saad, are you there? Okay, good effort by the two students. Good effort. आज चुके very first आपका test था, इससे मैंने बहुत short form में लिया ताकि आपको उसकी थोड़ी सी practice हो जाए. Next, I will make a little bit 4 to 5 MCQs. जी. ये ताहा वाला ही. ताहा के साथ ही होते हैं साथ. Yes. छोड़ दें वैसे, मतलब सबको रखते ही रखें, बार बार चेंज करना मुश्किल है. यस साद. यस मैम. जी बेटा, रीड योर एमसीक्यूज. व्हिच वन इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट. व्हिच वन इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट. कौन से वाला जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट? यस क्लोरीन. क्लोरीन सी. यस यस क्लोरीन. गुड. Okay, next. Which one is a structural component of chlorophyll? A. Nitrogen, magnesium, C. Carbon. Structural component of chlorophyll. Ma'am, 1 minute. Beta, itna lamba time nahi mil sakta. Aur main magnesium. Aapko... Magnesium. Okay, magnesium is the right answer. Okay, read the question. Short question. What is the difference in major minerals and minor minerals? Major minerals and minor minerals. Saad, look at the camera. Look at the camera, Saad. Don't look here and there. Screen puri nahi. Screen bhi isne puri nahi. Yes. Answer me. Hurry up. Major minerals are. Ma'am, 1 minute. It's okay. You can't give answer, huh? ऐसे ही है ना? Ma'am, दे रहा. 2 seconds. Major minerals are defined as those minerals which are used in larger quantities in body and mineral min. Minor minerals are those which are used in less quantities. Quantity का कोई figure है आपके mind में? Yes, ma'am. Major minerals are 2/3. Major minerals are 2/3. No. 2/3 तो बेटा कहीं किसी और topic में था. Okay. You get 1 mark in this question out of 2. Okay, Taha, are you there? मैं ताहा को बुला के लाया. ताहा, ये ताहा क्या करते हैं? वैसे शो होते हैं कि वो हैं और वैसे प्रेजेंट नहीं होते क्लास में. व्हाट इज दिस? स्क्रीन भी ऑफ कर लाता. हनी, यू आर यू देयर? हनी, आई थिंक हनी शुड बी देयर. आमना नहीं इज देयर टुडे. आमना इज प्रेजेंट इन द क्लास? यस मैम. आमना, आप कहाँ से आज क्लास में नजर आ रही हैं मुझे? इतने दिन कहाँ थी आप बेटा? मिस पहले तो पता ही नहीं था, तो स्कूल से पता किया, अब उन्होंने बताया. अच्छा, तो फिर आज के क्विज का कुछ आइडिया होगा आपको या नहीं? आज की क्विज का? चले, आज का क्विज तो आपका फिर नहीं हो पाएगा. मुझे अनीम भी नजर आई थी कहीं पे स्टार्ट में, पार्टिसिपेंट्स में. हनीन इज, आर यू देयर हनीन? नो मैम, शी हैज लेफ्ट. ओके, आज की पहले मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं. ताहा इज प्रेजेंट?
Assalamu alaikum ma'am. Yes. Amna. Amna. Present. Aisha. Present. Haneen. Haneen is absent. पहले मुझे start में एकदम उनका नाम नजर आया था Haneen का. I don't know why. Okay. Saad bin Amir. Present ma'am. Ayan Ahmed. Present. Okay. Move on to the quiz again. Taha. Taha को open कर दे. वीडियो नहीं शेयर किया. वीडियो नहीं इसकी आ रही तो. Taha बेटा share your screen. Yes ma'am. अब जल्दी करो ना बेटा, टाइम इतना नहीं होता. कहा आप बेटा क्लास में जैसे ही स्टार्ट होता है आप बैठते नहीं हो, हाँ कहाँ गायब हो जाते हो. ओके स्टार्ट योर टेस्ट. फर्स्ट एमसीक्यू. हरी आप, हरी आप. डिजीज ऑफ स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. यस विटामिन सी. Okay, read next MCQ. Calcium is essential for bones and teeth. Yes, bones and teeth. Okay, read the question. Short question. What is the difference in saturated and unsaturated fatty acids? But the problem is just wrong. मैम इसका दो मिनट में सोच के बता तो पहले अगले वाला कर लूं. अगले वाला कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपके लिए रखा हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यू जस्ट गिव आंसर ऑफ द डिफरेंस इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. लुक एट द कैमरा प्लीज. ताहा कांट गिव आंसर. मैम इसका नहीं आता. ओके जीरो. अच्छा जी स्टूडेंट्स, All of you, चले हम बता दें इसलिए कि मुझे थोड़ा सा आपको explain भी करना है इसका structure. मैं बता दूँ. Saturated fatty acids are. आयान आप बता दें. आयान आप बता दो बेटा. Saturated fatty acids are those which are bonded to of carbon to hydrogen and they are in a state of matter in solid in at room temperature. नहीं डिफरेंस फर्स्ट बताइए बेटा. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. हां जी. और वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. वो लिक्विड होते हैं. अब इसकी रीजन क्या है सैचुरेटेड को आप देखो. कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. यस मैम. जी मैम. जी अब इसका मैंने ना सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिखा रही हूँ मैं. इसमें कार्बन टू कार्बन आप बॉन्डिंग देख सकते हो. एक कार्बन एटम जो है ना उसकी फोर वैलेंसीज होती हैं. इट मींस इट कैन मेक फोर कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके इर्द गिर्द चार एटम होने चाहिए जिनके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बने. ठीक है. अब ये लाइंस शो करती हैं कि इसके इर्द गिर्द दूसरे मतलब हाइड्रोजन एटम एक्चुअली साइड पे अटैच हुआ होता है. हाइड्रोजन एटम इधर अटैच हुआ होगा और एक बॉन्ड जो है कार्बन टू कार्बन यहाँ अटैच हुआ हुआ है. तो इस कार्बन की चार वैलेंसीज पूरी हो गई. क्लियर समझ आ रहा है. जी मैम. जी साद यू. एक कार्बन एटम की चार वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए. चार बॉन्ड उसके पूरे बनने चाहिए. तो इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे बन रहे हैं. बन रहे हैं कि नहीं बन रहे. इसी तरह से इस कार्बन के भी हर तरफ देखें आप कितनी लाइंस लगी हुई, कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं. 1, 2, 3 and 4. तो इसकी भी फोर वैलेंसीज फुली कवर है. ठीक है. यहाँ पे कोई आपको डबल लाइन नहीं नजर आ रही है. आपने केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया स्टूडेंट्स अभी के नहीं पढ़ा. आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हो. पढ़ लिया मैम. तो फिर तो आपको आइडिया होना चाहिए ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का और डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. आइडिया है. यस मैम. अब ये जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखो कहीं पे कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है आपको. नो मैम ये सिंगल है. हर तरफ कार्बन एटम के हर तरफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. इट मींस इसके हर तरफ इतने एटम्स मौजूद हैं कि उसकी वैलेंसी को फुली सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो इट्स अ सैचुरेटेड फार्मूला. ठीक है. इट्स अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. नीचे वाली फिगर पे आइए. इस पे चूंकि इसके पास दूसरे एटम्स कम होंगे इर्द गिर्द इसलिए इसने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन टू कार्बन. ठीक है. नीचे देखें नीचे मजीद एटम्स हाइड्रोजन के साइड पे कम हो गए होंगे इसीलिए यहाँ पर
कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाए तो दीज आर अनसेचुरेटेड, ये फुली सेटिस्फाई वैलेंसी नहीं है, ठीक है। बाहर उसे एटम कम मिल रहे थे इसलिए उसने आपस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लिए। तो इस तरह का जो फैटी एसिड होगा वो होगा अनसेचुरेटेड, ठीक है। और जो ऊपर अगर सिंगल हर तरफ बॉन्ड मिलेगा तो दैट इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक हो गया। समझ आई आपको डिफरेंस क्लियर हुआ है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का? सैचुरेटेड का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, कंप्लीट। अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, लेकिन अनसैचुरेटेड में यू कैन सी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके साथ इस वेयर इज साथ? मैं इधर ही हूँ। चले जी आगे मूव ऑन करते हैं। आज का आपका जो रिजल्ट है क्विज का, आई विल आस्क टू मिस सादिया वेदर आई शो योर रिजल्ट इन ग्रुप और आपको पर्सनली बताना होगा, फिर मैं मंडे को इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लूंगी। माइट भी आपका रिजल्ट आपके ग्रुप में मैं आपको शो कर दूं, ठीक है जी मैम। ओके जी मूव ऑन टू द टुडेस टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। अभी तक पीछे जो चैप्टर में आपने टॉपिक्स रीड किए हैं वो आपके जितने भी आपके हमारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स थे वो सारे हमने देखे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। लेकिन हमारी बॉडी को इसके अलावा चीज़ों के अलावा हमें बॉडी को वाटर की भी बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा डाइट्री फाइबर्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। वाटर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आपको पता है हमारी बॉडी का 60% to 70% जो पार्ट है ना वो वाटर पे बेस कर रहा है। अगर हम अपनी डाइट में अपने खाने में पानी को ऐड ना करें, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी और हम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेंगे, लो फील करेंगे बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। आजकल गर्मी के दिन है, आप देखो हर थोड़ी देर बाद आपको प्यास लग रही है, इसका मतलब है कि वाटर इज आवर एसेंशियल नीड। स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी ऑल ऑफ यू? यस मैम। अच्छा जी, अब वाटर बहुत ज्यादा मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन का एक एलिमेंट है। बेशक इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, इससे हमें कैलोरीज तो नहीं मिलेंगी, लेकिन बॉडी के जितने भी दूसरे प्रोसीजर्स हैं जो रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वाटर सर्व्स एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट मीन्स ऐसी चीज जो कि दूसरी चीजों को अपने अंदर मिक्स कर ले, ठीक है। आयान बेटा रीड दीज लाइन्स, इट्स वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर। अगर जरूरत होगी तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी साथ साथ। यस आयान। वाटर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, वाटर एंड डाइट्री फाइबर आर नॉट कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स बट दे डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। Percentage composition, approximately 60% of the adult human body is composed of water. Okay, stop Ayan. Functions. Ayan, beta, आपका net slow है, थोड़ा issue आ जाता है, आपकी आवाज बहुत slowly आती है हम तक। Okay. अच्छा जी बेटा, इस paragraph में basically बस ये बताया गया है water act as a solvent. सॉल्वेंट इज अ केमिस्ट्री टर्म, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी ये टर्म सॉल्वेंट, बायो में भी पढ़ी है। सॉल्यूशन जब आप बनाते हो तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेरी गुड, एक तो सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर सॉल्यूट ने मिक्स होना है। तो जो वाटर है वो हमारी बॉडी में एज ए सॉल्वेंट काम करता है क्योंकि वाटर आपकी बॉडी को एक वाटरी मीडियम दे देता है, ऐसा मीडियम जिसके अंदर बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं। ऐसे ही है ना, जैसे ग्लास के अंदर अगर आप ड्राई शुगर और ड्राई सॉल्ट डाल के रख दो मिक्स करके चम्मच से, तो क्या वो मिक्स हो पाएंगे? डिसॉल्व होंगे एक दूसरे में? नहीं होंगे, अनलेस एंड अनटिल आप उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड ना करो। जब तक पानी ना डालें तो चीजें आपस में मिक्स नहीं हो पाती, ड्राई ड्राई जो आइटम्स हैं वो मिक्स नहीं हो पाते। तो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन आवर बॉडी।
इसके अलावा आप जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए, उनके कंप्लीट होने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा यहाँ इसको आप पॉइंट्स पे कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तीन चार पॉइंट्स हैं. इसके अलावा डाइजेशन के प्रोसेस में, इंटेस्टाइन में वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम खाना खा लें डायरेक्ट और पानी बिल्कुल ना लें तो क्या होगा, वो जो फूड है वो डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, उसकी पेस्ट नहीं बन पाएगी बॉडी के अंदर, वो डाइजेस्ट नहीं होगा. ऐसा है ना? Yes, ma'am. जी, तो पानी पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस हो सके. दूसरा अहम रोल वाटर का क्या है कि इट मेंटेन टेम्परेचर. हमारी बॉडी अगर गर्म हो रही है तो उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए वी नीड वाटर. पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा, स्वेटिंग या लिखा हुआ वर्ड, तो पसीना आएगा और उसकी वजह से एवेपोरेशन के प्रोसीजर में द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बिकम लो. सीवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स. अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो भी क्या हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, वो बॉडी में प्रॉपर तरीके से फ्लो सर्कुलेट नहीं करेगा और इस वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्डियो वास्कुलर प्रॉब्लम्स. कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, वास्कुलर एंड वास्कुलर मीन्स वेसल्स, जो ट्यूब्स हैं. तो हार्ट की जो ट्यूब्स हैं उनमें ब्लड फ्लो नहीं करेगा. द एस्टिमेटेड वाटर, अब एक दिन में आपको कितना पानी तकरीबन पीना चाहिए, तकरीबन 2 liters वाटर पर डे आपको लेना चाहिए. और वाटर के सोर्सेस क्या हैं, किन किन चीजों से आप वाटर लेते हो, आपको आइडिया तो है, मिल्क है, जूसी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और डायरेक्ट वाटर तो इनटेक आप करते हो. ठीक हो गया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ग्रेड 9, आर यू देयर? मुझे आज कोई, यस मैम, यस मैम. बेटा प्लीज शो योर स्क्रीन्स. ओके ओके, मेरी स्लाइड की वजह से आप मुझे नजर नहीं आ रहे, सॉरी. स्लाइड मेरी बहुत बड़ी है. ओके, चलें जी, नेक्स्ट है डायट्री फाइबर्स. डायट्री मींस रिलेटेड टू डाइट, हमारी फूड. और फाइबर क्या होता है, फाइबर का मतलब लॉन्ग थ्रेड्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फाइबर्स. ठीक है, अब ये डायट्री फाइबर्स बेसिकली क्या है, ये हमारी न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है लेकिन हमारी न्यूट्रिशन को बैलेंस रखने के लिए ये बहुत जरूरी है. बेसिकली इसको आप रफेज भी बोलते हो. क्या बोलते हो? रफेज. रफेज मीन्स जैसे छान होता है ना आटा, जैसे आप खाते हो रोटी खाते हो तो उसका जो आटा होता है ना फ्लोर, वो किस कलर का होता है? व्हाइट. व्हाइट होता है. समटाइम्स आटा जो है वो थोड़ा सा रेड कलर में भी होता है. अक्सर कहा जाता है ना कि जो आटा आप खाएं तो प्योर व्हाइट नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर थोड़ा सा रफेज ऐड होना चाहिए. तो वो रफेज जिस आटे में मिक्स होगा, छान बुरा जिसे बोलते हैं, छान यानी कि फाइबर्स उसके अंदर गंदम के होने चाहिए. तो फाइबर्स होंगे तो आपका जो स्टमक है वो ज्यादा हेल्दी काम करेगा. तो रफेज इज नोन एज एक्स्ट्रा जो हस्क होता है, हस्क और इसको उर्दू में बोलते हैं छान. इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड एंड इट इज इनडाइजेस्टिबल. इनडाइजेस्टिबल मीन्स ऐसा फूड जो कि हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी के अंदर. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसी फूड खा लें जो कि डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो हमें प्रॉब्लम ना कर दे. ऐसा नहीं है. इनडाइजेस्टिबल जो फूड है वो आपकी बॉडी की जो इंटेस्टाइन है बल्कि इसको ज्यादा क्लियर कर देता है. अगर आप डाइट्री फाइबर्स खाएंगे तो आपकी ये कंज्यूम नहीं होंगे बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन. हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं है जो कि फूड को डाइजेस्ट कर सके. ये डाइट्री फाइबर को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में है ही नहीं, तो फिर ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा. और जब वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर आएगा तो अपने साथ साथ बाकी चीजों को भी मतलब ले जाएगा. इसका मतलब है ये हमारे जो ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसको क्लियर करने में हेल्पफुल है. आ रही बात समझ इसकी? Yes, ma'am. क्या समझ आया? कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा साथ? कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? Yes, ma'am. Dietary fiber also known as roughage. Ma'am, ये food indigestible होता है और मैम ये प्लांट फूड में पाया जाता है. और
इनडाइजेस्टेबल होना इसका फायदा इसलिए होता है क्योंकि ये वो अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द स्टमक को पास करवाता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलन होता है उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है. यस मैम. हाँ जी. अगर जब हमारी बॉडी पे इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है तो ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर आएगा और उस बाहर आते हुए बाकी चीजों को भी अपने साथ ले आएगा. ठीक है. कोलोन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है. व्हाट इज कोलोन? कोलोन किसी को पता है क्या है? इंटेस्टाइन तो आइडिया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन. कोलोन इज द लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली, जहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल है ना डाइजेशन के बाद वो सारा जमा हो रहा होता है. लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है और यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाता है सारा. और जब ये भर जाता है पूरा तो फिर यू फील वॉशरूम, आप वॉशरूम जाना चाहते हैं उसके बाद. अच्छा जी. द इनसोल्युबल डाइट्री फाइबर्स. अब डाइट्री फाइबर्स आगे से दो तरह के हैं. एक है इनसोल्युबल जो कि मिक्स नहीं होते बॉडी के अंदर बिल्कुल भी, और दूसरे कौन से हैं? सोल्युबल. सोल्युबल जो के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं. इनसोल्युबल डाइट्री फाइबर्स ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. इट्स सोर्सेज आर वीट ब्रान, यानी के छान बुरा, गंदुम का जो छान होता है वो. सीरियल्स, सीरियल्स में भी यही होती हैं इसके, जैसे जो हो गया, जवी हो गया, कॉर्न, आप सिट्टा खाते हो, ये छल्ली जो आप खाते हो वो भी इसमें शामिल है. एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि अगर आप इनके छिलके भी खा लो ना, अक्सर फ्रूट्स वेजिटेबल के आप छिलके भी खा लेते हो, जैसे पीच हो गया, गावा हो गया, है ना, आप उसको छीलते तो नहीं हो ना, तो इनमें ये सारा इनसोल्युबल डाइट्री फाइबर मिलेगा आपको. जो सोल्युबल डाइट्री फाइबर्स है इस ये ब्रेक्स डाउन, ये टूट जाता है एंड पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज आवर डाइजेस्टिव ट्रैक. सोर्सेज आर ओट्स, बीन्स, ठीक है, बीन्स मतलब ये चने वगैरह, बार्ले, बार्ले जो को बोलते हैं, ओट बोलते हैं जवी को, एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फाइबर प्रिवेंट्स, अब ये तो आ गया कि इसके सोर्सेज क्या क्या थे, नीचे आ जाएगा. फाइबर्स प्रिवेंट एंड रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जो बात अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की वो, जहां पर दोबारा से डिस्कस हो रही है कि कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है ये. अगर किसी को कब्ज हुई हो तो उसको रेफर किया जाता है कि आप फाइबर्स खाएं, क्योंकि फाइबर्स हजम नहीं होते, डाइट्री फाइबर्स, और ये आपके इंटेस्टाइनल मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं बार बार, जिसकी वजह से आपको जो है वो वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है. ठीक हो गया. यहाँ पे इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक नहीं है. शुड वी मूव ऑन? नहीं, एक और यहाँ पे टर्म आ रही है, कार्सिनोजन. किसी को आइडिया है व्हाट इज कार्सिनोजन? इनसोल्युबल कॉजिंग एजेंट्स. यस, वेरी गुड. इनसोल्युबल फाइबर स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजन. अगर आप फाइबर्स खाते हो ना इनसोल्युबल, उससे आपको एक और फायदा क्या होता है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी उसके निकलने के साथ साथ ये भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. देखिए कितना फायदेमंद है. तो हमें अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर्स को जरूर ऐड करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इज वेरी इजी कि आपको अपनी डाइट में सब चीजें लेनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं है कि आप खाली प्रोटीन्स खा रहे हो, या सिर्फ ये नहीं है कि आप खाली कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, आपको पसंद है जी सिर्फ आप फैट्स एंड ऑयल वाली चीजें खाते हो, ऐसे नहीं है. आपको अपनी डाइट में हर तरह की चीज ऐड करनी होगी. ठीक है जी. इसके बाद आगे चलते हैं, रिलेटेड रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड activity. Who will read this? ये भी just reading है, इसमें कोई खास समझाने वाली चीज नहीं है. During आपको... growth, मैं read करूं? जी जी करिए करिए. During growth period of a body, there is higher metabolic rate in body cells, so body needs a balanced diet that contains more energy. Adults need less proteins per kilogram body weight, but a growing boy or girl needs more proteins per kilogram weight. Similarly, children need more calcium and iron for the growing bone and red blood cells respectively. It's very clear के जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी growing age होती है उन्हें calcium और iron की ज़्यादा ज़रूरत है अपनी bones के growth के लिए और red blood cells की growth के लिए. तभी छोटे बच्चों की diet में दूध बहुत ज़्यादा add किया जाता है कि milk add हो, और जो growing boy and girl है उनको ज्यादा प्रोटीन वाली फूड दी जाती है, जिसमें जैसे गोश्त हो गया, अंडे हो गए, मिल्क भी दिया जाता है.
ताकि उनके मसल्स जो है वो ग्रो करें, उनका हाइट जो है वो ज्यादा हो, मसल्स उनके ग्रो करें. लेकिन जो एडल्ट्स हैं, जी स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी, शोर आ रहा है. ओके, जो एडल्ट्स हैं जो कि बड़े हो चुके होते हैं, जिनकी जो बड़े हो चुके होते हैं, जिनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बॉडी वाइज ग्रोथ. वैसे तो बॉडी मेटाबॉलिज्म चलता ही रहता है सारी उम्र जब तक इंसान जिंदा रहता है, लेकिन एक ग्रोथ होती है ना बॉडी की, कि बॉडी की हाइट बढ़ चुकी है या उसका पूरा साइज कंप्लीट हो चुका है बॉडी का, तो उनको बोलते हैं एडल्ट्स. तो एडल्ट्स को इतनी ज्यादा पर किलोग्राम जरूरत नहीं होती प्रोटीन्स की. तो एज वाइज और जेंडर वाइज भी, जेंडर में अभी आगे जेंडर का टॉपिक आगे आएगा कि बॉयज को ज्यादा जरूरत होती है फूड की एज कम्पेयर टू गर्ल्स, फीमेल्स. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो मेल्स होते हैं ना, उनका एक्सर्शन वाला काम ज्यादा है, उन्हें एक्टिविटी बेस्ड काम ज्यादा करने होते हैं, घर से बाहर जाके भी काम करना है, इसलिए उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी. यू कैन सी अ चार्ट ओवर हियर. तो जो मेल्स होते हैं उन्हें ज्यादा जरूरत होगी उसकी अच्छी डाइट की और न्यूट्रिशनल कैलोरीज की एज कम्पेयर टू फीमेल्स. लेकिन ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि फीमेल्स को खाने को कुछ ना मिले, फीमेल्स को भी सब कुछ खाना चाहिए, बट एज कम्पेयर टू मेल उन्हें जरा कम जरूरत होती है. यू कैन सी अ चार्ट ओवर हियर, मैं नीचे करती हूँ, ये वाला चार्ट आप देख सकते हो, मेल और फीमेल में डिफरेंस आप देखिए. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि फीमेल्स को जरा कम जरूरत है जबकि मेल्स को ज्यादा जरूरत है. यहाँ पे एज भी यहाँ पे शो हो रही है, प्लस आगे कैलोरीज उसकी आ रही है. अभी नेक्स्ट करते हैं इसको. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग, इतना वो कोई प्रोसीजर नहीं है, जस्ट एक जनरल नॉलेज बेस्ड है. आगे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन. आगे कीजिए. यस जी, ओके. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? मैल न्यूट्रिशन मीन्स इनबैलेंस्ड, सॉरी अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें बैलेंस ना हो. यानी कि मोस्टली हम लोग मैल न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हैं कि खाने की कमी को बोलते हैं, यानी कि अगर डाइट पूरी ना मिल रही हो तो उसे मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. मैल न्यूट्रिशन में अगर आप ओवर डाइट हो रहे हो, ज्यादा खा रहे हो जरूरत से, उसको भी मैल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में लेकर आया जाए. ठीक है, यू गेट दैट? जी, अगर आप जरूरत से कम खाओगे तो वो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी, आप वीक हो जाएंगे. लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना शुरू करेंगे या किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन्स को या कार्ब्स को, उससे ओबेसिटी हो सकती है, हम मोटे हो सकते हैं और हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के. हार्मोन्स आर द केमिकल्स विच आर यूज इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी. अच्छा जी, हु विल रीड दीज लाइन्स? आयशा, यू रीड. Yes, ma'am. Ji. Problems related to nutrition are grouped as malnutrition. It often refers to undernutrition resulting from inadequate consumption, poor absorption, or excessive loss of nutrients. Malnutrition also includes overnutrition resulting from overeating or excessive intake of specific nutrients. जी, यही बात आ गई कि या तो कम मिले खाना, डाइट आपकी कम हो, या पुअर एब्जॉर्प्शन. आप खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी का जो अंदर की जो आपकी एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ये भी मैल न्यूट्रिशन में ही आ जाएगा. ठीक है, और इसके अलावा ओवर न्यूट्रिशन, जरूरत से ज्यादा आप डाइट ले रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, इससे भी आपकी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का इनटेक जो है वो ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, उससे भी मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी. आमना इज देयर? आमना, यस मैम. ओके, रीड नेक्स्ट लाइंस. मोस्ट कॉमनली मैल न्यूट्रिश्ड पीपल आइदर डू नॉट हैव इनफ कैलोरीज इन देयर डाइट और ईट अ डाइट दैट लैक्स प्रोटीन, विटामिंस और ट्रेस मिनरल्स. मैल न्यूट्रिशन वीकेंस द इम्यून सिस्टम, इंपेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, slows thinking, stunts growth and affects fetal development. Yes, अगर malnutrition अगर होगा तो calories obviously body में diet की कम हो जाएंगी. इसकी वजह से हमें क्या क्या problem हो सकते हैं? हमारा immune system कम हो जाएगा, weak हो जाएगा,
impairs physical and mental health. Unbalance, disturb, impairs means disturb physical and mental health. आप physically भी सही grow नहीं करोगे, mentally भी आपका जो दिमाग है वो सही grow नहीं करेगा. Thinking power slow होगी. And stunt growth. Stunt growth means मतलब size body का वो short होगा. And affects fetal. Fetal means baby. Small baby को बोलते हैं fetal. Fetal development. जो baby है वो पूरे exact तरीके से grow नहीं करेगा. Fetal means small baby को बोलते हैं. Okay, Ayan, next you read. Problem आ जाएगा net में. Yes. Net में problem आ जाएगा फिर. नहीं आएगा बेटा, बोले. Common forms of malnutrition include protein, energy, malnutrition. देखो इसको बोलते हैं. PEM. इसको क्या बोलते हैं? PEM. Protein, energy, malnutrition. PEM. Mineral deficiency. Disease. MDD and over intake of nutrients OIN. जी आगे चलते हैं. Move on to the next slide. पीछे चला जाता है करें ना आगे पे जाए. प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जो पहला इसका है ना कैटेगरी वो रीड कर लें. प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जी नीचे जाइए. यस आयान रीड प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन मींस इनएक्यूरेट अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी. इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. Children in developing countries may lead to diseases such as kwashiorkor and marasmus. Abash, kwashiorkor and marasmus. Ab routine PEM se kaun si diseases ho rahi hain? Ek hai kwashiorkor and marasmus. Ab ji, ab ye zyada tar kaun si countries mein hoga? Underdeveloped countries, jo ke zara poor countries hain, wahan pe diet problems hain, logon ko khane ko proper nahi milta. तो उन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम होगी. अब क्वाशियोकोर एक डिजीज है, इसमें क्या होता है बेबी का जो बेली है ना वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन बाकी के उसके जो लेग्स हैं और फीट हैं वो बहुत पतले थिन ही होते हैं, बिल्कुल पतला सा कमजोर सा. तो देखने में बेबी बहुत अजीब सी लुक होती है ऐसे बच्चे की. ठीक है सार बेटा यू रीड दीज लाइंस. Saad is not here, I think. हम यहाँ ही था, वो म्यूट था गलती से. चलें बोलें. क्वाशियोरकोर पढ़े इसमें. क्वाशियोरकोर is due to protein deficiency at the age of about 12 months when breastfeeding is discontinued. It can also develop at any time during a child's growing years. Child may grow to normal but are abnormally thin. अभी भी पिक्चर आप बुक पे भी देख सकते हो, अभी यहाँ स्लाइड में भी नजर आएगी. जिन बेबीज को स्टार्ट में मदर फीडिंग नहीं मिलती ना, मदर फीडिंग नहीं मिलती क्योंकि आपको पता है जो मदर फीडिंग है जो माँ का दूध होता है स्टार्टिंग मंथ्स में वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं. अगर वो ना मिले तो फिर बेबी जो है वो कमजोर हो जाता है. अभी पिक्चर आप आगे देखिएगा. मरास्मस ताहा यू रीड मरास्मस. मैं पढ़ता हूँ. Marasmus usually develops between the ages of 6 months and 1 year. Patients lose all their body fat and muscle strength and acquire a skeletal appearance. Children with marasmus show poor growth and small for their age. I look small for their age. इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नजर आ रही है मरास्मस में? सब इजी वर्डिंग है जी, बस यही कि मसल स्ट्रेंथ कम है और स्केलेटल अपीयरेंस नहीं है. नीचे जाएं. आपको आज का होमवर्क क्या देना चाहिए? ये तो जस्ट आपका यहीं तक फिलहाल मैं करवाती हूँ क्योंकि टाइम इज जस्ट 1 मिनट लेफ्ट. इंशाल्लाह बाकी का फिर नेक्स्ट करवाऊंगी. आपको मुझे बताएं कोई होमवर्क क्या होना चाहिए क्योंकि रिटर्न इतना सारा मुझे देने का कोई फायदा. ऐसा कीजिए आप क्या बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस खुद से बना लेंगे इसके कुछ.
या मैं गाइड कर दूं? नो मैम, बना लेंगे। एनी फाइव शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, एनी फाइव शॉर्ट क्वेश्चंस आपको, जी आपको असाइनमेंट जो है ना एक पीडीएफ फाइल, वो मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह थ्रू करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम कीजिएगा। और क्विज नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बड़ा होगा, आज चूंकि वेरी फर्स्ट डे था तो मुझे था कि आई डोंट नो टाइम कितना लग जाए, तो नेक्स्ट टाइम क्विज विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर देन टुडे, ठीक है जी? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। जी मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम।